हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथागोरियस ट्रिपलेट का प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट करिए। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पाइथागोरियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या है, मान लीजिए 20 या 30 के बीच में हमें एक जितना भी ट्रिपलेट बनेगा उसको प्रिंट करना है। अब कंडीशन है 20 के बीच में या 30 के बीच में प्रिंट करना है, तो यहाँ तो नंबर एक ही है और हमें जो भी पाइथागोरियस के नियम के अनुसार यानी फार्मूला के अनुसार हमें तीन नंबर चाहिए। तो उस तीन नंबर के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है आपका ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बी इक्वल टू होगा 2mn और सी इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर या एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला मेरा एक है, तभी हम इस फार्मूला को यूज करेंगे प्रोग्राम में। अब कंडीशन हम देखते हैं, m हमेशा क्या है, बड़ा होना चाहिए n से। तो हम m में एक वैल्यू देते हैं 6 और n में देते हैं वैल्यू 5। तो m मेरा बड़ा है n से। अब आते हैं, m बड़ा है n से, मेरा कंडीशन पहला तो पूरा है। अब आते हैं फर्स्ट, a का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो ए इक्वल टू क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 11। तो ए मेरा निकल गया 11। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू आएगा 60, यानी बी भी मेरा निकल गया 60। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी 25 प्लस 36 इक्वल टू आएगा आपका 61। अब आते हैं फार्मूला पे, ये जो फार्मूला पे हम तीनों को बैठाएंगे यानी ए बी सी मेरा निकल गया उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 11, बी स्क्वायर 60 और सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 61। अब आते हैं ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 11 का स्क्वायर 121, बी का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर 3600 और सी का स्क्वायर 3721। जब इसका सम निकालिएगा आपका तो आएगा 3721, यानी ये जो फार्मूला है ये आपका इक्वल टू सेम है। इस फॉर्मूला पे हम ट्रिपलेट को निकाल सकते हैं। ये प्रूव हो गया। अब हम क्या आएंगे ट्रिपलेट पे, तो ट्रिपलेट के लिए हमें क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, डी एफ अंडरस्कोर ट्रिपलेट, और यहाँ हम लिमिट एक वेरिएबल पास करते हैं, यानी जिस रेंज के बीच में हमें नंबर निकालना है उसको हम यहाँ देंगे, 20 के बीच में या 30 के बीच में, जो भी हो। अब क्या करना है हमें, एक c इक्वल टू जीरो देते हैं। c को किस लिए जीरो दिए हैं, इसको हम अपर लिमिट के हिसाब से यूज करेंगे। जैसे ही ये क्रॉस करेगा, c का वैल्यू क्रॉस होगा, वैसे ही मेरा लूप बंद होगा। और m इक्वल टू हम कर देते हैं 2। m 2 किस लिए किए हैं, m चूंकि फर्स्ट ट्रिपलेट मेरा होता है 3 4 5, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, और m चूंकि हमेशा n से बड़ा होना चाहिए इसलिए हम m को 0 या 1 नहीं यूज करके 2 से यूज कर रहे हैं। फिर while लूप लगाएंगे, while c लेस देन लिमिट, c लिमिट्स हैं जब तक छोटा रहता है तब तक ये मेरा लूप चलेगा, इसलिए हम c को 0 से इनिशियलाइज किए। क्लियर। अब आते हैं एक फॉर लूप लगाएंगे, n इन रेंज 1 से m तक। अब इस लूप को समझिए, ये लूप क्या होगा, एम का वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये लूप कब तक चलेगा, लूप का कंडीशन समझिए, चूंकि एम हमेशा एन से बड़ा होना चाहिए इसलिए एन का वैल्यू क्या होगा, 1 to m-1 यानी एम से एक कम चलेगा। क्लियर हो गया। अब ए इक्वल टू क्या था मेरा, एम इंटू एम माइनस एन इंटू एन यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम इंटू एन, बी भी हो गया। सी इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहां हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ सी लिमिट से अगर ज्यादा जाता है, जैसे ही ज्यादा होता है ब्रेक करो, उसके बाद मेरा नहीं चाहिए, जितना लिमिट है उसके अंदर ही प्रिंट करो। तो प्रिंट क्या करना है, ए कॉमा बी कॉमा सी, जो ट्रिपलेट है उसको प्रिंट करते जाओ, सिंपल। और m इक्वल टू m प्लस 1 यानी m को एक एक करके इंक्रीज करो। सबसे पहले तो हम एक नम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर टाइप
इनपुट कर देते हैं हम इंटर लिमिट, फंक्शन को जो क्रिएट किए हैं उसको कॉल करते हैं हम और नम को पास कर देते हैं। अब हम रन करके देखेंगे तो मेरा जो ट्रिपलेट है 20 के बीच में मेरा ट्रिपलेट आ रहा है, 30 के बीच में अगर कितना आएगा हम देखते हैं तो 30 के बीच में मेरा ट्रिपलेट आ रहा है। अब यहाँ एक कंडीशन और आ सकता है, आप जो नंबर है उसके बीच में कितना ट्रिपलेट है उसको आपको काउंट करने यानी नंबर ऑफ ट्रिपलेट प्रिंट करना है कितना है, तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल और डिफाइन कर देते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं काउंट, इसको हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू नहीं रहे, और यहाँ जैसे जैसे आप प्रिंट करो और काउंट करते जाओ, काउंट इक्वल टू क्या करो काउंट प्लस वन, यानी काउंट को एक एक करके इंक्रीज करो जैसे ही फंक्शन होगा और रिटर्न कीजिए आप काउंट को, काउंट को रिटर्न कीजिए। अब आप इसको प्रिंट कीजिए सिंपल, प्रिंट प्रिंट देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रिपलेट कितना है मेरा 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। अगर ट्रिपलेट नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ट्रिपलेट को ये प्रिंट को आप कमेंट कर दीजिए और यहाँ पे मैसेज दे दीजिए आप नंबर ऑफ ट्रिपलेट बीच में अगर हम देते हैं तो 8 है, क्लियर। तो इस तरह हम आसानी से जो एक रेंज के बीच में जितना भी ट्रिपलेट है उसको प्रिंट कर सकते हैं और उसको काउंट भी कर सकते हैं कितना मेरा ट्रिपलेट है, क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए।